पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। कपिल, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। दीदी, आज मेरी टीचर जी ने मुझे गृह कार्य में फूल पर वाक्य बनाकर लाने को कहा है, लेकिन मेरी पुस्तक में फूल के चित्र के सामने पुष्प और कुसुम लिखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वाक्य कैसे बनाऊं। कपिल, तुम्हें इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुष्प कुसुम दोनों का अर्थ फूल होता है। ये सभी शब्द एक ही अर्थ बताते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए कुछ अन्य शब्दों के समानार्थी शब्दों को जानिए। शब्द समानार्थी शब्द, पुत्र बेटा, सुत आत्मज, आग अग्नि, अनल ज्वाला, हाथ हस्त, कर पाड़ी, संसार विश्व जगत लोक, पुष्प फूल कुसुम सुमन, कमल जलज पंकज राजीव, चंद्रमा शशि चांद रजनीश, धरती पृथ्वी भूमि वसुंधरा, आकाश नभ व्योम अंबर, रात रजनी रैन रात्रि, पक्षी पंछी खग चिड़िया, सांप सर्प नाग भुजंग, घर गृह सदन आलय, जल नीर पानी सलिल, सूरज सूर्य रवि दिनकर, वायु हवा पवन अनिल, माता माँ जननी अम्मा, पेड़ वृक्ष तरु तरुवर, दिन दिवस दिवा वार, हवा समीर पवन अनिल।